जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीला ग्लोब स्टेट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ टैब डेवलपर्स मिस्टर तैमूर साहब। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कैसे हैं आप? बढ़िया से ठीक ठाक। सर बताएं ये क्या शाहकार बना रहे हैं जिसकी डिगिंग सर आपने ऑन टाइम शुरू कर दी हुई, बताएं सर व्यूअर्स को थोड़ा इसके बारे में। आप अच्छा, ये सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो क्योंकि आपने बहुत एफर्ट किया इस प्रोजेक्ट के ऊपर और अल्लाह ताला हम सबके लिए इसमें आसानियाँ बता फरमाए और जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं अल्लाह ताला उन सबके लिए हमें जरिया बनाया कि हम उनके लिए फायदा इसमें पहुँचा सकें। ये जी हम एक बिल्डिंग बनाने लगे हैं बैरिया टाउन में स्टैप सेंट्रल के नाम से इकबाल ब्लॉक के अंदर, जो कि रिंग रोड के बिल्कुल साथ है, कमर्शियल हब है, उसके बीच में ग्राउंड फ्लोर 6 की बिल्डिंग है। इसके अंदर इंशाल्लाह बुटीक अपार्टमेंट्स होंगे जबरदस्त किस्म के लग्जरी डिजाइन के साथ, ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में जो कमर्शियल आउटलेट्स होंगे। बिल्डिंग जो है वो ऑलरेडी 60% सोल्ड आउट है और अब हमने जो है वो इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि हमें इसमें बेहतर और रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सर बताएं ये कंस्ट्रक्शन तो आपने ऑन टाइम जो है वो स्टार्ट कर दी हुई, तो आप इसको फिनिशिंग या इसका पोजेशन कब तक आपको एक्सपेक्टेड है, कब तक आप इसका अनाउंस करेंगे? हमने देखे जी ये 2 साल का पेमेंट प्लान लॉन्च किया था और तीन महीने पहले तकरीबन इसकी सेल स्टार्ट की थी और हमने टाइम दिया था लोगों को कि हम सितंबर या अक्टूबर में इसकी डिगिंग स्टार्ट कर देंगे। पीछे मानसून का सीजन था जिस वजह से हम इस पे काम नहीं कर सके। अब जैसे ही बैरिया में एक्सकेवेशन स्टार्ट हुई है तो हमने काम शुरू किया। 2 साल का हमारा पेमेंट प्लान है, 2 साल के अंदर ही इसको इंशाल्लाह पोजेशन देंगे। जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है टैब विस्टा के नाम से, उमर ब्लॉक में आपने देखा होगा कि कितनी तेजी से हमने जो है उसकी कंस्ट्रक्शन की है और इंशाल्लाह वो भी हम वेल बिफोर टाइम पोजेशन देने के लिए जा रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी कंस्ट्रक्शन टीम इसमें हमें सपोर्ट करे और सेल्स टीम भी सपोर्ट करे, हम इसमें 2 साल के बजाय जल्द अज जल्द लोगों को पोजेशन दे इसमें। और सर जैसे इसकी लोकेशन है, मैं पूछना तो नहीं चाहता लेकिन क्लाइंट्स के लिए, जैसे रिंग रोड साथ है और जो मेन कमर्शियल हब है, आप इसमें आरओआई क्या परसेंटेज देखते हैं? जो क्लाइंट्स हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, उनको आप क्या आरओआई की एक्सपेक्टेशन देना चाहेंगे? अच्छा देखें, ये बिल्डिंग जो है ना दोनों तरीके से बड़े फायदेमंद है क्योंकि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेजिडेंशियल फेसिंग है। रेजिडेंशियल पूरा पीछे आप देख सकते हैं, इकबाल ब्लॉक का मेन रेजिडेंशियल एरिया है। अपार्टमेंट्स के लिए बेहतरीन है क्योंकि वो रेजिडेंशियल फेसिंग है, हाइट है, एक तरफ आपको रिंग रोड का व्यू मिलता है, ग्रैंड मॉस भी बिल्कुल हमारे साथ है और बिल्कुल ये कम्युनिटी जो है ना एक आई थिंक ये हार्ट ऑफ बैरिया टाउन, इसको हमने टैब सेंट्रल नाम इसका इसीलिए रखा है कि ये सेंटर ऑफ बैरिया टाउन बनता है, तो इसी से हमने लेके जो है हमारी टीम ने सजेस्ट किया कि हमने टैब सेंट्रल इसका फिर नाम रखा है और आई थिंक ये बहुत जबरदस्त लोकेशन है। आप देख सकते हैं सराउंडिंग में सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ऐसा नहीं कि कोई नई डेवलपमेंट है, सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो इंशाल्लाह इसके अंदर लोगों को मेरा ख्याल है एटलीस्ट 20% आरओआई जो है, 15% भी एनुअल मिले तो 2 साल में 30% इनको मिल सकता है आरओआई। बिल्कुल बिल्कुल सर, दैट्स एनफ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था टैब सेंट्रल जिसकी लोकेशन आपके सामने बहुत अच्छी है, जिसका पेमेंट प्लान बहुत फिजिबल है। आप एक छोटी सी अमाउंट से जो है इसकी ग्राउंड फ्लोर की कमर्शियल शॉप बुक करवा सकते हैं और इन फ्यूचर ये आपको एक हाई आरओआई देगा। और अगर अपार्टमेंट की बात करें तो एक अच्छे साइज में आपको रिंग रोड के स्टनिंग व्यू के साथ आपको अपार्टमेंट ऑफर किए जा रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट में मजीद किसी भी किस्म की बुकिंग या डिटेल के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के सरमाए का तहफ्फुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स।